झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तीसरी लिस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव उम्मीदवार होंगे, वहीं खूंटी अनुसूचित जनजाति सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्नेहलता कंडुलना को उम्मीदवार बनाया है। सिसई अनुसूचित जनजाति सीट से जिग्गा सुसारण होरो उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा एक और प्रत्याशी का इस सूची में जिक्र है, बिशुनपुर से चमरा लिंडा को भी पार्टी ने टिकट दिया है। चमरा लिंडा ने बगावत भी किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा से और लोकसभा का चुनाव भी वो लड़े थे, ऐसे में उन पर भी एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और चमरा लिंडा को बिशुनपुर जो कि अनुसूचित जनजाति की सीट है वहाँ से एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशियों की तीसरी जो सूची है वो जारी कर दी है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम का जिक्र है और इस तरीके से अब तक अगर आप देखें तो 3 सूची झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी कर दी गई है। इंडी गठबंधन में भी अब लगभग जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट की गई हैं और पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन भी है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने पत्ते जो हैं वो खोल रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल देर रात जो है वो तीसरी सूची अपनी जारी कर दी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, तीसरी सूची भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की आ गई है और इस तीसरी सूची में मदन 5 नाम है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं मदन कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरीके से चीजों को स्पष्ट कर दिया है चुनावों को लेकर। बिल्कुल, देखिए एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम ये कह रहे थे कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 40 सीटों पर जेएमएम लड़ेगी और 30 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तो जेएमएम ने अपने 41 उम्मीदवारों की सूची जो है अब तक जारी कर दिया। पहले 35, फिर एक रांची सीट पर महुआ मांझी का 36 और फिर देर शाम जो है 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, जिसमें गोमिया से योगेंद्र महत प्रसाद, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, खूंटी से स्नेहलता कंडुलना और सीसई से जीगा सुशासन गुरु और फिर बिशनपुर से चमड़ा लिंडा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अब जेएमएम की तरफ से अपनी सूची जो है उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है क्योंकि 20 लोगों के नाम, उम्मीदवारों के नाम जो है वो पहले ही घोषित कर चुके हैं, लेकिन कई उम्मीदवार जो है आज नॉमिनेशन कर रहे हैं जिनके नाम की घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन पार्टी ने सिंबल दे दिया है और वो उम्मीदवार के तौर पर जैसे आज डाल्टनगंज से केंद्रीय पार्टी नॉमिनेशन करेंगे, उनके नाम की घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है जरूर शुरू हुई है, जैसे जेएमएम के भी कई उम्मीदवार जो है पहले सूची जारी होने से ही उन्होंने नॉमिनेशन कर लिया। अब जो बचे हुए सीट हैं कांग्रेस का कोटे की वो कब तक जारी किए जाते हैं इसका इंतजार है। चलिए, तो अब बचे हुए उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी होती है इसका इंतजार करना होगा, देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अब किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म।
क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।